हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। पुलाव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चावल अच्छी क्वालिटी का लेंगे और चावल को साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद अगर कंकड़ वगैरह हो उसको निकाल देंगे। ऑलरेडी मैंने साफ़ कर लिया है। और इस तरीके से पतला वाला पुलाव वाला चावल लेना होता है गाइस, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जब आप बाजार जाएंगे तो आपको कहेंगे पंसारी वाली दुकान पर तो पुलाव वाला चावल दे दीजिए, तो आपको दे देगा। तो ये परफेक्ट चावल मैंने अपनी क्वांटिटी के अनुसार आप ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद समथिंग इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे, और भिगोने के बाद इसको दो तीन पानी से धोएंगे। तो सबसे पहले मैं पानी डाल देती हूँ। अब लीजिए पानी डाल दिया, अब इसको पानी पिलाएंगे, और पानी अच्छे से जब पी लेगा तो आधे घंटे बाद इसको दो तीन पानी से धोना है, और धोने के बाद ही इसको पुलाव बनाना है। तो मिलते हैं गाइस आधे घंटे के बाद। सो गाइस, चावल को धो लिए हैं दो तीन पानी से, अब बनाएंगे पुलाव। सो गाइस, पुलाव बनाने के लिए कुकर रखेंगे, कुकर गैस को ऑन करेंगे, और इसमें डालेंगे घी, शेरा घी। इसमें डालेंगे गाइस दो इलायची, दो लौंग और काली मिर्च 5 से 6। तेजपात के पत्ते, और इसमें जो मैंने पुलाव वाला चावल लिया है वो इसमें डाल देंगे। आधा टीस्पून से कम स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें पानी की क्वांटिटी के अनुसार डालना है। इसमें पानी अगर ज़्यादा डाल देंगे तो पुलाव आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए पानी मैं डाल रही हूँ। जो मैंने एक ग्लास पानी लिया है वो इसमें डाल देंगे, और इसको इस तरीके से चलाएंगे। तो पानी की क्वांटिटी गाइस इस तरीके से चेक करनी है, जैसे ये चावल है, चावल के ऊपर कितना पानी है, तो समथिंग ये चावल है, चावल के ऊपर एक उंगुल पानी है, समथिंग इतना। तो इतना चावल है और इतना पानी, तो जैसे चावल है, चावल के ऊपर थोड़ा सा पानी होएगा, अगर ज़्यादा पानी कर देंगे तो पुलाव आपका गीला हो जाएगा। तो ये कचड़ी जब डालेंगे तो चावल में बिल्कुल परफेक्ट भीग रही है, पानी के थोड़ा सा एक उंगुल पानी ऊपर क्वांटिटी में ज़्यादा है। पानी की क्वांटिटी फिर सिर्फ कम रखनी है, एक ग्लास समथिंग पानी मैंने डाला है। तो ढक्कन लगा देंगे और इसमें लगाएंगे एक सीटी। एक सीटी के बाद गैस को ऑफ कर देना है। चावल को यदि आप आधे घंटे फ्लो के रखेंगे तो पानी की क्वांटिटी कम रखनी है, तो पानी वैसे भी चावल सोख लेता है। तो अब मिलते हैं सीटी आ जाने के बाद, तुरंत नहीं खोलनी है, 10 मिनट के बाद ही खोलना है। सो गाइस, पुलाव बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और इसको चलाएंगे तो पानी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखी थी, नहीं तो अगर पानी ज़्यादा डाल देते तो आपका पुलाव परफेक्ट नहीं बनता। अब इसको सर्व कर लेते हैं। सो गाइस, ये पुलाव बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कि पुलाव कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप गाइस पुलाव बना सकते हैं, और आपको पुलाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस छोले की चटपटी मसालेदार सब्जी। आपने छोले बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन आप इतने तरीके के छोले जब खाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो गाइस, मैंने छोले के साथ मटर गोभी भिगोया है। मटर से क्या रहता है, बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, और छोले में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ती आता है। तो चलिए बनाते हैं नए तरीके से छोले। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पूरी रेसिपी। छोले को दो तीन पानी से धो लेंगे, धोने के बाद कुकर में रख लेंगे। सो गाइस, छोले को धो लिए हैं और कुकर में रख लिया है। इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी, एक चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से नहीं हो तो आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं, इससे छोला बहुत ही जल्दी पक जाता है। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो छोला के लिए आपको समय नहीं लगेगा, बहुत फटाफट बना लेंगे और कम समय में आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें लगाएंगे ढक्कन, और इसमें लगाएंगे 3-4 सीटी। गैस को ऑन करेंगे और कुकर रख देंगे, और इसमें लगा के सीटी, इसमें लगाएंगे समथिंग 5 से 6 सीटी लगाएंगे। मिलते हैं 6 सीटी के बाद। लीजिए गैस, छोला उबल चुका है, उसने समथिंग 5 सीटी लगाई है, और आप इस तरीके से इसको दबा कर देख लीजिए चम्मच से कि परफेक्ट उबला है या नहीं, मटर कैसी उबली है। तो ये मैंने दबा दिया, परफेक्ट उबल गया है। आपने एक बार कमेंट में कहा था कि छोला कच्चा है, तो ऑलरेडी मैंने इसमें 6 से 7 सीटी लगाई हैं।
अब छोला एक दूसरे बर्तन में रख पलट लेंगे। अब इसी कुकर में डाल देंगे 5 टमाटर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और लगाएंगे ढक्कन और इसको बॉईल कर लेंगे। तो इसमें 2 सीटी समथिंग लगाएंगे। रख देती हूँ गैस पर, गैस को ऑन कर दिया है और मैंने कुकर रख दिया है। 2 सीटी के बाद मिलते हैं। मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे लहसुन अदरक प्याज, सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे ग्रेवी के लिए। अदरक और कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। टमाटर और ग्रेवी के लिए प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो लीजिए गाइस, टमाटर बॉईल करके इसको पेस्ट तैयार कर लिया है और अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया। चलते हैं गैस की तरफ। कुकर रख देंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कड़वा तेल। तो गरम करेंगे, ऑयल गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ऑलरेडी छोले में पहले मैं डाल चुकी थी। खड़े मसाले के लिए इसमें डाल देंगे 1 इलायची काले कलर की जो होती है, जावित्री, 2 लौंग। इससे गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो मैंने ये पेस्ट बना के रखा था ये डाल देंगे। चलाएंगे, प्याज को गुलाबी होने तक इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा खत्म हो जाए प्याज का। प्याज फ्राई हो रहा है और इसी कटोरी में डालेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर और इसमें डालेंगे पानी और इसको भिलो लेंगे। तो भिलोने के लिए रख देंगे इसको 10 मिनट के लिए, तब तक की प्याज जो है फ्राई हो रहा है। और गरम मसाला थोड़ा सा बाद में डालेंगे, अभी मैंने थोड़ा डाला है। गरम मसाला ऊपर से जब डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो गरम मसाला गैस मैंने घर पर बनाया है वो मेड गरम मसाला। अगर आपको गरम मसाले की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं गरम मसाला खुद ही तैयार करती हूँ। ये आप देख सकते हैं गैस होम मेड गरम मसाला जो मैंने घर पर तैयार किया था। इसमें जो सामान मैं डालती हूँ, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा गरम मसाले में मैं क्या क्या डालती हूँ। खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्याज को गुलाबी भून लिया है, इस तरीके से ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो ये जल जाएगा, इसका कच्चापन खत्म हो गया है। अब इसमें जो मैंने मसाला भी लोकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे, गैस हाई फ्लेम पर रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मसाले की ग्रेवी तैयार हो गई है। तो ये रही चटपटी मसालेदार ग्रेवी। अब इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था अभी। तो ये लिया टमाटर का पेस्ट, अब इसको फिर चलाएंगे। और छोला मसाला और गरम मसाला लास्ट में डालना है। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। ये मतलब ग्रेवी तैयार हो गई है। आप इसमें चाहे तो कश्मीरी कलर डाल सकते हैं, कश्मीरी कलर मैंने नहीं लिए, कश्मीरी लाल मिर्च। इसको ढक दिया है। अब टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। इसको ढक देंगे ताकि इसे छींटे इधर उधर ना जाए, आपका पत्थर खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको ढक दिए हैं। अब जो मैंने छोला बॉइल करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये रहा छोला और मटर, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें डालने से ये थोड़ा सा जो हाथ में लेंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे, थोड़ा सा मैश कर देंगे। इससे रसे की ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है और ये छोला खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आप चाहे तो उसमें खल्लड़ मूसर में कुचर के इस तरीके से डाल दीजिए या बेल के डाल दीजिए। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी के लिए इस तरीके से फोल्ड किया। अब इसमें डाल देंगे छोला और इसका पानी फेंकना नहीं है, इसी में ऐड कर देना है। 1 गिलास समथिंग पानी थोड़ा सा चाहे तो आप डाल सकते हैं। ऑलरेडी पानी छोले का जो है वो निकला हुआ था उसी में ही, वो इसी में ही डाल देना है, निकालना नहीं है, फेंकना नहीं है क्योंकि टेस्ट उसी में आता है। इस तरीके से इसको चलाएंगे। अब इसमें चाहे तो आप चाय की पत्ती का पानी इसमें ऐड कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें चाय की पत्ती का भी पानी मैं मिलाऊंगी टेस्ट के लिए। गाइस इसमें डाल देंगे 23 पात के पत्ते, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसको भी आप बहुत ही आसानी से मिला सकते हैं, जो गरम मसाला अगर आप कहेंगे तो दुकानदार आपको 23 पात के पत्ते दे देगा। इस तरीके से सूखे हुए होते हैं पत्ते, उसको ऐसे ही डाल देना है, उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है छोले में।
इस तरीके से जब इसमें खोल आएगी तो इसकी खुशबू बहुत ही चार चांद लगा देगी और आपका छोला बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और इसमें मैंने खोला लिया है चाय की पत्ती का पानी और इसमें छन्नी देंगे और इस तरीके से छान देंगे। इससे गाइस टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा चाय की पत्ती के पानी से। तो ये गया चाय की पत्ती का पानी, अब इसको फिर चलाएंगे। तो ये रहा छोला, ये आप देख सकते हैं कितना कलर बढ़िया खिल के आया है। अगर चाहे तो कश्मीरी कलर, अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इसमें लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन में सीटी, अब ये इसमें समथिंग चार सीटी लगा लेंगे। अब चार सीटी लगाने के बाद मिलते हैं, तब तक कि आप धनिया है वो काट लीजिए, धनिया वगैरह काट लेंगे धनिया। तो भाई छोला बनकर तैयार हो गया है, इस तरीके से इसको चलाएंगे, इसको दबा कर देख लेंगे। तो ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। में डालेंगे छोला मसाला, गरम मसाला, हरा धनिया, इसको चलाएंगे। तो ये चटपटा मसालेदार छोले की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो गाइस छोला बनकर तैयार हो गया है, इस तरीके से आप खाइएगा चटपटा मसालेदार छोला। और आपको छोले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। छोला बनकर तैयार हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कम्युनिटी ऑप्शन में नया चैनल है जिसमें शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाकर मेरे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खाइएगा गर्मा गर्म छोला और जाड़े में।